देश में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई। इसका केंद्र दुशांबे से 341 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, डोला और किश्तवर जिले में भी झटके महसूस किए गए। राज्य में 3 दिन में लगातार तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ ही रविवार और सोमवार को गुजरात में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो 14 बार आफ्टर शॉक भी यहां पर आए। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, देखिए, लगातार जो देश में भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी आज भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए मनीषा, देश इन दिनों कई आपदाओं से जूझ रहा है, जहां एक तरफ कोरोना वायरस, फिर चक्रवात और अब भूकंप। लगातार देश में भूकंप आ रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो, हर जगह भूकंप देखे जा रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो एक खतरा है वो देश पर मंडराता भी दिखाई दे रहा है। मंगलवार सुबह जो जम्मू कश्मीर में 5.8 तीव्रता का भूकंप जो मापा गया है, उसका जो केंद्र था वो तजिकिस्तान दुशांबे, जो राजधानी है उसकी, उससे 341 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में देखा गया। इसके पहले भी गुजरात में जो रविवार से लेकर सोमवार तक करीब 2 बड़े भूकंप और 14 बार करीब जो छोटे छोटे भूकंप थे वो आफ्टर शॉक को महसूस किया गया था। इसके पहले जो बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर में भी सोमवार को सुबह एक भूकंप का महसूस किया गया था, और ये 3 दिन से लगातार जम्मू कश्मीर में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। जी मनीषा, बिल्कुल ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, लगातार देश में भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं।